भाई आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत फूलों वाला वृक्ष के साथ, यानी कि जो मध्यम और लंबाई दोनों तरीके से पाया जाता है और हर किसी की नर्सरी में आपको मिल सकता है। और जो शौकन अंदाज वाले यानी कि पेड़ पौधों को शौक से पालने वाले लोग हैं उनके भी गार्डनों में ये पौधा मिल सकता है। इसका नाम जो है, हिंदी जो नेम है इसका, कचनार कह देते हैं हिंदी नेम, वैसे बहुगुनिया इसका नाम है। और इसका फूल काफ़ी देखने में एक आकर्षक करता है अपने आप को, और इसके अंदर एक किस्म की ये मानो आप एयर क्वालिफाई करने की एक क्षमता बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। ये लगभग लगभग रात के 8 बजे तक भी प्रदूषण को अपने अंदर ले सकता है, यानी कि ऑक्सीजन देने की क्षमता इसकी रात को 8 बजे तक भी होती है, उसके बाद नाइट्रोजन देना शुरू कर देता है। और इस फूल की और इस पेड़ की एक क्वालिटी और है, ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे उगा सकते हो, यानी कि गमले द्वारा भी और गमलों से नर्सरी से अपने गार्डन में भी इसे ले सकते हो। और इसका सबसे बड़ा बेहतरीन एक साधन और है इसकी कटिंग जब जस्ट टाइम कटिंग की जाती है इसकी, यानी कि जब इसका समय होता है कटिंग का, वो एक किस्म का ये मानो एक अलग ही आकर्षक बन के चलता है, ये अलग ही क्वालिटी इसकी निकल के आती है। सबसे बेहतर इसका जो उपयोग सबसे ज़्यादा जो किया जाता है और सबसे अच्छी जगह जो किया जाता है वो सड़क किनारे, और मतलब के ऐसी जगह जहाँ पे हमारा प्रदूषण ज़्यादा हो। और मतलब के इसका क्या है, सुंदर इसके फूल जब खिलते हैं यानी कि अच्छी क्वालिटी की धूप में, और उसमें भी इसके फूल खिल सकते हैं। और ये एक किस्म के इस तरीके से मानो कि ये ग्रीष्म ऋतु का पौधा है, यानी कि ये नहीं, ये सभी ऋतुओं में। इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि सर्दी में इसके फूल बहुत कम उगते हैं, लेकिन सर्दी के साथ साथ इसकी जो क्वालिटी एक है कि ये गर्मी में बहुत अच्छा उगता है। गर्मी में इसकी जो क्वालिटी बढ़ने की है, मतलब के पैदावार बढ़ने की, वो क्षमता इसकी कम से कम 20% सर्दी के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज आपको सो हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आशा करते हैं मिलते हैं आपको लेकर एक नए पौधे के साथ, नए क्वालिटी के फूलों के साथ। और जब तक के लिए भाई हमारा चैनल जो चौहान गार्डन के नाम से हमारा चैनल यूट्यूब पर आपकी सेवा में उपलब्ध है, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।